हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड द वीडियो इज़ ऑन प्रोसेस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन लास्ट वीडियो में हमने कंटेंट थ्योरीज कंप्लीट करी थी एंड आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी अगर नहीं देखी है तो आई बजन में उसका लिंक है आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम प्रोसेस थ्योरीज कंटिन्यू करने वाले हैं एंड यस अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा सो विदाउट मच अडू लेट गेट स्टार्ट इट प्रोसेस और कोग्नेटिव थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन फोकस ऑन कॉन्शियस ह्यूमन डिसीजन प्रोसेस एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर मोटिवेशन द प्रोसेस थ्योरीज आर कंसर्न विद द डिटरमाइनिंग हाउ इंडिविजुअल बिहेवियर इज एनर्जाइज डायरेक्टेड एंड मेंटेन्ड इन द स्पेसिफिकली विल्ड एंड सेल्फ डायरेक्टेड ह्यूमन कोग्नेटिव प्रोसेस सो इन सिंपल सेंस अगर मैं बताऊँ तो प्रोसेस थ्योरीज किस पे फोकस करती हैं द हाउस ऑफ मोटिवेशन कंटेंट थ्योरीज में हमने क्या पढ़ा था कंटेंट थ्योरीज क्या मोटि किस पे मोटि फोकस कर रही है ऑन व्हाट काइंड ऑफ नीड्स पीपल हैव ठीक है तो व्हाट पे फोकस कर रही है कि कितनी या किस टाइप की नीड्स होती हैं पीपल की लोगों की ठीक है अब उन नीड्स तक कैसे पहुंचना है दैट बिहेवियर दैट एक्शन दैट अ पर्सन इज गोइंग टू टेक वो जो हाउ है वो कौन बता रहा है हमको प्रोसेस थ्योरीज इसलिए क्योंकि प्रोसेस जो होता है मोटिवेशन का पूरा उस नीड तक पहुंचने के लिए उस नीड को फुलफिल करने के लिए जो एक्टिवेटेड नीड है उसको फुलफिल करने के लिए ह्यूमन बींग जो जो बिहेवियर्स पोर्ट्रे करता है जो जो एक्शंस लेता है वो सारे एक्शंस वो कौन से हैं कैसे हैं हम लोग कैसे पहुँचेंगे वहाँ तक ये सब हम प्रोसेस थ्योरीज में पढ़ने वाले हैं आई होप आपको ये समझ में आया होगा सो फर्स्ट वन इज एक्सपेक्टेंसी थ्योरी विक्टर व्रूम 1964 सजेस्टेड दैट मोटिवेशन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर्स पहला फैक्टर है एक्सपेक्टेंसी वंस एस्टिमेट दैट एफर्ट्स विल लीड टू सक्सेसफुल परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या हुआ कि एक इंसान जो एक्सपेक्ट रहा है कि अगर मैं ये एफर्ट्स लगाऊंगा तो मैं अपना परफॉर्मेंस सक्सेसफुली दे पाऊँगा या मैं इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस तक पहुँच पाऊँगा ठीक है देन इंस्ट्रूमेंटेलिटी द सेकेंड फैक्टर इज इंस्ट्रूमेंटैलिटी वंस एस्टिमेट दैट द परफॉर्मेंस विल रिजल्ट इन सर्टन आउटकम अब एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेंसी क्या थी कि इतने एफर्ट्स होंगे तो मेरा यहाँ तक परफॉर्मेंस पहुँचेगा इंस्ट्रूमेंटेलिटी क्या है ये परफॉर्मेंस होगा तब जाके मुझको एक्स वाई जेड रिजल्ट मिलेगा या आउटकम मिलेगा एंड वॉट इज़ वैलेंस द थर्ड फैक्टर द एक्सटेंड टू विच एक्सपेक्टेड आउटकम इज़ अट्रैक्टेड और अनअट्रैक्टिव ठीक है और जो रिजल्ट रिवॉर्ड या आउटकम मुझको मिलने वाला है वो मुझको कितना अट्रैक्ट कर रहा है वो मेरे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है या कितना इम्पॉर्टेंट नहीं है तो ये तीन फैक्टर्स विक्टर रूम ने अपनी थ्योरीज में बताए हैं कि मोटिवेशन क्या होता है इन थ्री फैक्टर्स का ही रिजल्ट है या इन थ्री फैक्टर्स का ही प्रोडक्ट है पहला है एक्सपेक्टेंसी कि हम जो जो एफर्ट्स लगाने वाले हैं उससे एक्स वाई जी हमको परफॉर्मेंस मिलेगा या हम इतना परफॉर्मेंस दे पाएंगे देन इंस्ट्रूमेंटैलिटी ये जो परफॉर्मेंस है ये इतना पर्टिकुलर परफॉर्मेंस हमको एक्स वाई जी रिवॉर्ड आउटकम या रिज़ल्ट दे पाएगा एंड बैलेंस क्या है वो जो रिजल रिवॉर््ड आउटकम या रिजल्ट हमको मिलने वाला है वो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट या अनइम्पॉर्टेंट अट्रैक्टिव या अनअट्रैक्टिव है और इसका जो इक्वेशन है वो है एक्सपेक्टेंसी इनटू टू इनटू इन बैलेंस जब हमको साथ में मिल जाएगा तब हमारा हम लोग मोटिवेटेड इनफ होंगे टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर एक्शन ठीक है अब सपोज हमारा एफ़र्ट्स तो हम लोग लगा रहे हैं हंड्रेड परसेंट हमको पता है कि हंड्रेड परसेंट एफर्ट लगाने के बाद हमारा परफॉर्मेंस एक्सेलेंट होगा और हमको एक्सेलेंट रिजल्ट्स मिलने वाले हैं क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस एक्सेलेंट है लेकिन रिज़ल्ट मिलने के बाद जो हमको इन रिटर्न जो उस रिज़ल्ट का रिवॉर्ड मिलने वाला है या जो हमको इन रिटर्न उस परफॉर्मेंस के बाद मिलने वाला है तो वो हमारे लिए इत, उतना अगर इम्पॉर्टेंट नहीं है तो फिर हमारा जो मोटिवेशन लेवल है वो डाउन ही रहेगा तो एक्सपेक्टेंसी इंस्ट्रोमेंटालिटी तो है इम्पॉर्टेंट कि हमने हंड्रेड परसेंट एफ़र्ट्स लगाए उन एफ़र्ट्स क्योंकि हमने हंड्रेड परसेंट एफ़र्ट्स लगाए थे तो हमको हंड्रेड परसेंट परफॉर्मेंस हमारी एक्सेलेंट थी और क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस एक्सेलेंट थी तो हमारा रिवॉर्ड या रिजल्ट इन रिटर्न जो हमको मिलना है वो भी मिल रहा है लेकिन एफ़र्ट्स हंड्रेड परसेंट थे परफॉर्मेंस एक्सलेंट थी लेकिन उसके ए, उसके अगेंस्ट में जो हमको रिवॉर्ड या रिटर्न मिल रहा है वो हमको उतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा है या वो हमारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है तो फिर हम मोटिवेटेड इनफ नहीं होंगे उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि एफर्ट्स भी हंड्रेड हो परफॉर्मेंस भी वैसी ही हो एंड उस एफर्ट्स परफॉर्मेंस के अगेंस्ट में इन रिटर्न जो हमको मिलने वाला है दैट कंसिडरेशन वो भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट हो तब जाके एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय या ह्यूमन ह्यूमन बींग मोटिवेटेड होगा एक्सपेक्टेंसी इज अ स्ट्रेंथ ऑफ बिलीव दैट वंस वर्क रिलेटेड एफर्ट विल रिजल्ट इन गिव इन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी क्या है एक इंसान का बिलीव कि अगर मैं इतना एक्स वाई जी एफर्ट्स लगाऊंगा तो हमको एक्स वाई जी परफॉर्मेंस में कर पाऊंगा वॉट इज़ इंस्ट्रूमेंटेलिटी इट्स इट रिप्रजेंट्स इम्प्लॉयज बिलीव दैटेसिफिक परफॉर्मेंस विल लीड टू ए स्पेसिफिक अवार्ड कि अगर मैंने हंड्रेड परसेंट परफॉर्मेंस एक्सेलेंट परफॉर्मेंस दे दिया तो फिर मुझको रिवॉर्ड ऑब्वियसली मिलने वाला है उसके रिटर्न में बैलेंस क्या है वो जो रिवॉर्ड है या जो आउटकम uh, आने वाला है या इन रिटर्न जो हमको मिलने वाला है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है उसका सेटिसफैक्शन लेवल या डिससेटिस्फैक्शन लेवल अनअट्रैक्टिवनेस या या अट्रैक्टिवनेस ही डिपेंड करती है हमारे ओवरऑल मोटिवेशन लेवल पे और ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी आपसे डेफिनेशनस पूछी जा सकती हैं डैश इज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ बिलीफ दैट वनस वर्क रिलेटेड एफर्ट्स विल रिजल्ट इन गिवन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस तो ये क्या है आपसे पूछा जा सकता है आपको जो ऑप्शंस uh, मिलेंगे उसमें एक्सपेक्टेंसी इंस्ट्रोमेंटालिटी मोटिवेशन वैलेंस ऐसे करके चार ऑप्शंस दिए होंगे एंड यू हैव टू पिक वन तो आपको ये पर्टिकुलर मीनिंग भी पता होनी चाहिए एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्लेम्स एट मोटिवेशन इज अ मल्टी मप्लीकेटिव फंक्शन ऑफ थ्री कंपोनेंट्स विक्टर रूम के द्वारा जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं अभी उस उन्होंने यही बोला था कि जो मोटिवेशन है वो मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन है ये सारे के सारे तीनों एलिमेंट्स का दिस मीन्स डैट फॉर एन इंडिविजुअल टू बी हाईली मोटिवेटेड अगर एक इंडिविजुअल को हाईली मोटिवेट करना है या हम चाहते हैं कि वो हाईली मोटिवेटेड रहे तो सारे के सारे जो तीन कंपोनेंट्स हैं एक्सपेक्टेंसी मॉडल में वो तीनों ही हाई लेवल पर होने चाहिए तब जाके हम क्या होगे एक पर्टिकुलर uh, एम्प्लॉयी क्या होगा मोटिवेटेड होगा अगर इन तीनों में से कोई एक भी जीरो होगा तो मोटिवेशन भी जीरो हो जाएगा सो फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ एन एम्प्लॉय बिलीव दैट हर एफर्ट विल रिजल्ट इन परफॉर्मेंस अगर कोई एम्प्लॉय बिलीव कर रहा है कि उसके एफ़र्ट्स पर अच्छे परफॉर्मेंस पे रिजल्ट में एंड करेंगे विच विल रिजल्ट इन रिवॉर्ड और उसी अच्छे परफॉर्मेंस के बाद उसको रिवॉर्ड मिलेगा लेकिन जो रिवॉर्ड का जो ग्रेविटी uh, है जो उसको मिलने वाला है वो उतना अट्रैक्टिव नहीं है दैट मीन्स दैट वैलेंस इज़ जीरो तो फिर उसके एफर्ट्स और परफॉर्मेंस भी ज़ीरो होंगे नाउ द सेकेंड थ्योरी अंडर प्रोसेस थ्योरी इज पॉटर एंड लॉरस 1968 सिक्सटी एट मोटिवेशन थ्योरी ठीक है पब्लिश एंड एक्सटेंशन इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ विक्टर व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी तो इन्होंने विक्टर व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को ही काइंड ऑफ एक्सटेंड करके अपनी एक थ्योरी दी है द बेसिक प्रिमाइज ऑफ द मॉडल इज सेम एज विक्टर व्रूम्स थ्योरी बट इट एक्सटेंड्स द मॉडल स्टार्ट स्टेटिंग दैट मोटिवेशन अलोल डज नॉट प्रिडिक्ट सक्सेसफुल परफॉर्मेंस तो इन्होंने कुछ एक चीज़ ऐड कर दी है इन जो प्रीमाइज़ था वो ये था कि पॉटर एंड लॉरर का जो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है उसका जो प्रीमाइज़ है वो ये है कि मोटिवेशन अकेला प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि परफॉर्मेंस कैसी होगी तो इट हैज़ टू फंक्शन बेसिकली स्किल्स एंड एबिलिटीज़ एंड रोल ऑफ पर, रोल परसेप्शन अब स्किल्स एंड एबिलिटीज़ क्या होती है रोल परसेप्शन क्या होता है इसको हम पढ़ते हैं सो स्किल्स एंड एबिलिटीज़ इसका मतलब क्या हुआ कि मोटिवेशन अकेला आपको सक्सेसफुल परफॉर्मेंस नहीं दे सकता दैट मीन्स कि हमने जो अभी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में पढ़ा था कि एक्सपेक्टेंसी देन परफॉर्मेंस एंड वैलेंस सॉरी एक्सपेक्टेंसी इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड वैलेंस ये तीनों को हाई लेवल पे होना चाहिए तब जाके मोटिवेशन आप हाईली मोटिवेटेड हो सकते हो ठीक है इसका मतलब है अगर आपने अच्छे एफर्ट्स uh, लगाए हैं आपको पता है हंड्रेड परसेंट एफर्ट दूंगा तो हंड्रेड परसेंट परफॉर्मेंस आने ही वाला है एंड वो परफॉर्मेंस uh, के बाद जो मुझे रिजल्ट मिलने वाला है वो मुझे हाई अट्रैक्टिव लग रहा है ठीक है इसका मतलब है कि मैं मोटिवेटेड इनफ हूँ बट अगेन केवल एक्सप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देना ये अकेला नहीं आपको ये बता पाएगा कि आप मोटिवेटेड हो अगर आप मोटिवेटेड भी हो स्टिल आपका पर आपका जो परफॉर्मेंस है वो डाउन जा सकता है क्यों क्योंकि जो भी आप टास्क कर रहे हो उसमें स्किल्स एंड एबिलिटीज़ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है दैट मीन्स कि केवल इम्प्लॉई हाईली मोटिवेटेड है दैट डज नॉट कन्फर्म कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा ही करेगा या वो डेडिकेटेडली परफॉर्म करेगा वो परफॉर्मेंस तो दे देगा ठीक है वो हाईली अपना बिल्कुल हंड्रेड परसेंट इन्वॉल्व होकर परफॉर्मेंस दे देगा एफर्ट्स लगा देगा येट अगर उसके पास उतनी रिक्वायर्ड लेवल ऑफ स्किल्स नहीं है रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एक्सपेक्टेंसी सॉरी एबिलिटीज़ नहीं है तो ऑब्वियसली फिर वो स्किल्स जो उसको रिजल्ट मिलने वाला या जो क्वालिटी ऑफ टास्क जो uh, जो क्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स जो आएंगे बाद में वो उतने हाईली uh, उतने ज़्यादा क्वालिटेटिव नहीं होंगे ठीक है रोल परसेप्शन का क्या मतलब हुआ एम्प्लॉयज़ का जो परसेप्शन है टूवर्ड्स इज रोल कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन उससे क्या चाह रही है उसका रोल एज एन इम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है या जो भी उसको टास्क मिला है उस टास्क में उसका रोल क्या है ये उसको अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए तब जाके वो प्रॉपरली अपने एफर्ट्स लगा पाएगा सो अलॉन्ग विद दी हाई द एफर्ट्स अलॉन्ग विद द परफॉर्मेंस उसके पास स्किल्स भी वैसी होनी चाहिए कि वो अपने जो भी एफर्ट्स हंड्रेड परसेंट एफर्ट्स लगा भी रहा है तो हंड्रेड परसेंट पोटेंशियल भी होते हैं तो एफर्ट्स एक अपनी जगह है कि वो एफर्ट्स कर रहा है ठीक है लेकिन अगर उसके पास पोटेंशियल इनफ नहीं होगा तो वो फिर कितने भी एफर्ट्स कर ले ऑब्वियसली जो रिज़ल्ट सामने आएगा वो उतना हाईली अच्छा एक स्टैंडर्ड का नहीं होगा सब स्टैंडर्ड रिज़ल्ट होंगे तो अगर आपको हाईली स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइज रिजल्ट चाहिए बहुत ज़्यादा अप टू द मार्क और फ्लाइंग uh, कलर से आप चाहते हो कि फ्लाइंग कलर से आप पास हो पर्टिकुलर टास्क तो आपको रिक्वायर्ड लेवल ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज भी गेन करनी पड़ेंगी या होनी चाहिए आपके नहीं होता है आप एफिशिएंटली उसको परफॉर्म कर पाओ ये भी इंपॉर्टेंट है एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव दो रिक्वायर्ड स्किल्स एंड एबिलिटीज पर्टिकुलर टास्क के लिए चाहिए अलोंग विद क्लैरिफिकेशन ऑफ द रोल दैट यू हैव ठीक है आपका जो रोल है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या उस पर्टिकुलर टास्क में आपका जो रिक्वायर्ड नॉलेज है सब्जेक्ट मैटर पर वो भी हाई होना चाहिए ये सारी चीज़ें मिल मिल के ही आपको हाईली परफॉर्म परफॉर्मेंस दे पाएंगी आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा द स्पॉटर एंड ऑरल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज बेस्ड ऑनशनफैक्शन एंड दैट सम्स परफॉर्मेंस प्रोड्यूस रिवॉर्ड दाइपोथाइजनशिप बिटवीन सैटिस्फैक्शन एंड विद अनादर वेरिएबल रिवॉर्ड दे सी गुड परफॉर्मेंस लीडिंग टू रिड विच लीड्स टू सेटिस्फैक्शन आई होप आपको ये समझ में आऊगा कि जो भी मैंने मैंने आपको एक्सप्लेन करा है ये वही लिखा हुआ है द थ्योरी प्रपोजेस टू टाइप ऑफ रिवॉर्ड्स अब कौन कौन से रिवॉर्ड्स होते हैं इस थ्योरी में ये भी बताया गया है पहला है इन या इंटरनल रिवॉर्ड्स दैन एक्सटेंसिक रिवॉर्ड्स इंटरेंसिक रिवॉर्ड्स आर गिवन टू एन इम्प्लॉई और एन इंडिविजुअल हिमसेल्फ़ फॉर गुड परफॉर्मेंस दे इंक्लूड फीलिंग्स ऑफ अम्पलिशमेंट तो इनर लेवल पे जो भी आपको रिवॉर्ड मिलते हैं कि आपने एक कोई पर्टिकुलर टास्क अच्छे से कर दिया वो एक सेटिसफेक्शन जो आपको मिलता है फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट जो होता है वो उसको हम बोल सकते हैं इंटरनसिक रिवॉर्ड इंटरेंसिक रिवॉर्ड्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू गुड परफॉर्मेंस ओनली इफ द जॉब स्ट्रक्चर इज़ वेरी डैंड चैलेंजिंग सो कैन रिवॉर्ड हिमसेल इफ़ ही फील्स ही हैज़ परफॉर्म वेल तो हायर लेवल की जो नीड्स होती हैं मैस्लो की की में अगर बात करें जो एस्टीम नीड्स में हायर ऑर्डर नीड्स हैं एंड ऑल्सो द फिफ्थ नीड जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है उसको हम बोल सकते हैं इंट्रेंसिक रिवॉर्ड के अंडर आ जाएंगे देन एक्सटेंसिक रिवॉर्ड क्या हो जाएंगे हम गिवेन बाई एंड सेटिसफाई मेनली लोअर ऑर्डर लोअर लेवल नीड्स दे आर दे आर थिंग्स लाइक पे प्रमोशन स्टेटस जॉब जॉब सिक्योरिटी तो एक्सटेंसिंग रिवॉर्ड ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू आपको मटीरियलिस्टिकली फॉर्म में मिलते हैं मटेरियलिस्टिक फॉर्म में प्रमोशन हो गया पे प्रे राइज हो गया आपको स्टेटस मिल रहा है अच्छा एक जॉब सिक्योरिटी मिल रही है ये सारे आपको जो मिल रहे हैं लोअर लेवल की नीड्स है और एक्सटेंसिंग रिवॉर्ड्स में आ जाएंगे इंटरेंसिक क्या हुआ जो आपको इनर लेवल पे मिल रहे हैं अ फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट अ सेटिस्फैक्शन लेवल जो होता है कि आपने कोई चीज़ बहुत अच्छे से करी है दैट कंटेंटमेंट जो आपको मिलता है आफ्टर डूइंग अ टास्क वो आ जाएगा इंटरेंसिक रिवॉर्ड then we have equity theory equity theory focuses on this is the third theory equity theory focuses on determining whether the distribution of resources is fair equity is, is measured by comparing the ratio of contribution or cost and benefits of each person considered one of the justice theories equity theory was developed by stacy adams in 1960s so as per this theory in order to maximize individuals reward we tend to create system where resources can be fairly divided among members of group inequalities in relationship will cause those within इट टू बी हैप्पी तो इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपका एम्प्लॉय फुली मोटिवेटेड रहे तो आपको एक फेयर इकोसिस्टम बना बनाना पड़ेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर एवरी वन इज़ ट्रीटेड इक्वली या फेयरली उसके जो भी इंसान जैसे सपोज मैं हूँ अगर मेरा रिक्वायर्ड अगर मैं एक पोजिशन पर हो मेरा फ्रेंड भी सेम पोजिशन पर है हम लोग इक्वली काम कर रहे हैं और हमारा जो आप बोल सकते हो एबिलिटीज़ हैं या स्किल्स हैं वो भी सेम है हमारी एफिशेंसी भी सेम है येट मेरे जो फ्रेंड हैं को वर्कर हैं उनको ज्यादा रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं अप्रिसिएशन ज़्यादा मिल रहा है या इंपॉटेंस ज्यादा मिल रही है इन टर्म्स ऑफ एनी थिंग चाहे रिवॉर्ड्स की बात करें चाहे बोनस की बात करें या कुछ भी चीज़ है एज कंपेयर टू बी तो मेरे अंदर एक सेंस ऑफ इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है और वो मुझको डिमोटिवेट कर सकता है इवन इफ मैं मेरे पास स्किल्स एंड एबिलिटीज हैं आई नो माई जॉब वेल मैं अच्छे से परफॉर्म करती हूँ येट मेरी परफॉर्मेंस वगैरह मैं कर तो रही हूँ लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि मेरे अगेंस्ट में जो मेरे को वर्कर्स हैं जो मेरे जैसे ही है इन एनी टर्म कोई भी पैरामीटर्स पर सब मेरे जैसे हैं तो वो मेरे से ज्यादा उनको इंपॉर्टेंस मिल रही है चाहे वो uh, किसी भी चाहे वो एक्सटेंसिव रिवॉर्ड्स के परस्पेक्टिव से बात करें या किसी और परस्पेक्टिव से बात करें तो अगर ऐसा होता है तो हमको लगता है कि इन ऑर्गेनाइजेशन आई एम नॉट फेयरली बिंग मेरे को ट्रीटेड uh, ठीक है मेरे को फेयरली ट्रीट नहीं किया जा रहा है तो ऐसे में क्या होगा जो एम्प्लॉय है वो डीमोटिवेटेड हो जाएगा तो यहाँ पर इक्विटी थ्योरी यही बता रही है एडम्स इक्विटी थ्योरी कॉल फॉर अ फेयर बैलेंस टू बी स्ट्रक बिटवीन एन एम्प्लॉयज इनपुट हार्डवर्क स्किल लेवल एक्सेप्टेंस इन एंड एंथुजियाज्म एंड सो ऑन एंड देयर आउटपुट्स सैलरी बेनिफिट जो उसने एक एम्प्लॉयी ए ने कुछ इनपुट um, डाला है पर्टिकुलर टास्क में उसका हार्डवर्क स्किल एक्सेप्टेंस एंड ऑन एंड उस इनपुट के अगेंस्ट में जो उसको आउटपुट मिल रहा है वो इक्वल होना चाहिए उसके कोवर्कर के साथ जो भी उसका एम्प्लॉई है जो भी उसका को वर्कर है सेम उसका पियर है बेसिकली जो जिसका लेवल सेम है इन ऑर्गेनाइजेशन उसने भी सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट्स डाला है लेकिन उसका जो आउटपुट है अगर वो ज़्यादा है तो यहाँ पर अनफेयर हो जाएगा लेकिन अगर इक्वल है तब एक फेयर बैलेंस क्रिएट होगा और वो इम्पॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू मेक योर इम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड इवर्क इनफ या आप चाहते हो कि अगर आपके इम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहें तो आपको एक फेयर बैलेंस टक करना पड़ेगा आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी गोल सेटिंग थ्योरी इन 1968 एडविन लॉक एंड डॉक्टर लेथम पुट फॉरवर्ड द गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दिस थ्योरी स्टेट्स दैट गोल सेटिंग इस एसेंशली लिंक्ड टू टास्क परफॉर्मेंस इट स्टेट्स दैट स्पेसिफिक एंड चैलेंजिंग गोल्स अलॉन्ग विद अप्रोप्रिएट फीडबैक कॉन्ट्रीब्यूट टू हायर एंड बेटर टास्क परफॉर्मेंस in simple words goal indicates that and give the direction to an employee about what needs to be done एंड हाउ मच एफ़र्ट्स आर रिक्वायर्ड सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अगर आपने प्रॉपरली एक गोल सेट कर दिए हैं इम्प्लॉयज़ के लिए तो उनके लिए ईजी हो जाएगा उस टास्क को परफॉर्म करना क्योंकि उनको एक फिर डायरेक्शन मिल जाता है और ये समझ में आ जाता है कि आपको इस पर्टिकुलर गोल के लिए कितना आपको टाइम चाहिए एंड कितना एफर्ट्स लगाने हैं और अकॉर्डिंगली फिर वो मोटिवेटेड रहते हैं टू परफॉर्म दर रिस्पेक्टिव टास्क The important features are the willingness to put to work towards attainment of goal is the main source of job, job motivation. सो so, अगर आपके पास गोल रहेगा देखो तो एमलेस वर्क अगर आप करते रहोगे तो आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे अगर स्टार्टिंग में आप हो भी तो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ आप फिर धीरे धीरे डीमोटिवेटेड होना शुरू हो जाओगे एमलेस वर्क में लेकिन अगर आपको पता है कि आपको ये अचीव करना है देर इज़ अ गोल विच नीड्स टू बी डन विच नीड्स टू बी अचीव्ड तो आप लोग फिर प्रॉपरली किसी भी टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे क्लियर पर्टिकुलर एंड डिफिकल्ट गोल्स आर ग्रेटर मोटिवेटिंग फैक्टर्स दैन ईजी ईजी जर्नल एंड वेग गोल्स तो अगर गोल्स क्लियर होंगे थोड़े से हाईली मोटिवेटिंग इन इट्सैल्फ होंगे येट चैलेंजिंग गोल्स होंगे तो ए, एक एम्प्लॉय के लिए वो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है टू मेक और टू स्टे दैट इम्प्लॉय इन द मोटिवेशन लेवल इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क एफिशियटली स्पेसिफिक एंड क्लियर गोल्स लीड टू ग्रेटर आउटपुट एंड बेटर परफॉर्मेंस अगर गोल्स स्पेसिफिक होंगे क्लियर होंगे वेग नहीं होंगे वेग का मतलब होता है जिनका बहुत ज्यादा लाइक एम्बिग्यूटी होती है यू डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है मुझको अचीव करनी कितने टाइम में करनी अगर वो वेकनेस नहीं रहेगी क्लैरिटी रहेगी स्पेसिफिक गोल्स रहेंगे तो इंप्लॉयी भी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा विद ग्रेटर एफिशियंसी unambiguous measurable and clear goals are accompanied by the deadline to complete avoids misunderstanding goals should be realistic and challenging so realistic or challenging bihunichi that give this gives an individual a feeling of pride and triumph when he attains them and sets him for attainment of next goal ठीक है अगर गोल रियलिस्टिक रहेंगे चैलेंजिंग इनफ रहेंगे तो वो मोटिवेटेड रहेगा उनको परफॉर्म करने के लिए उनको अचीव करने के लिए एंड देन जब वो अचीव कर लेगा तो एक सेंस ऑफ प्राइड एक सेंस ऑफ ट्रिफ आएगा और फिर वो नेक्स्ट गोल के लिए भी इनफ मोटिवेटेड रहेगा टू अचीव इट द मोर चैलेंजिंग द गोल विड बी द ग्रेटर इज द रिवॉर्ड जनरली एंड द मोर इज ऑफ द पैशन टू अचीव जितना चैलेंजिंग गोल होगा रिवॉर्ड भी उतना ज़्यादा होगा और पैशन भी उसको अचीव करने का उतना ही होगा बेटर एंड अप्रोप्रिएट फीडबैक ऑफ रिजल्ट डायरेक्ट द इम्प्लॉज बिहेवियर एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हायर परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस के साथ साथ अगर फीडबैक्स प्रॉपर होंगे बेटर होंगे तो वो भी इम्प्लॉय को हायर परफॉर्म करने के लिए मोटिवेटेड रखता है फीडबैक इज अ मीन्स ऑफ गेनिंग रेप्यूटेशन मेकिंग क्लैरिफिकेशन रेगुलेटिंग गोल डिफिकल्टीज इंप्लॉयज पार्टिसिपेशन इन गोल इज नॉट ऑलवेज डिजायरेबल पार्टिसिपेशन ऑफ सेटिंग गोल्स हावर मेक्स अ गोल मोर एप्लीके एक्सेप्टेबल एंड लीडिंग टू मोर इन्वॉल्वमेंट तो केवल गोल को अचीव करने के लिए पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कौन सा गोल है गोल जो सेटिंग प्रोसेस होता है अगर उसमें भी पार्टिसिपेशन होगा इम्प्लॉयज़ का तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ऑर्डर टू परफॉर्म और अचीव दैट पर्टिकुलर गोल विद हाई मोटिवेशन एंड एफिशेंसी द लास्ट वन इज री इन्फोर्समेंट थ्योरी so this theory of motivation was proposed by bf skinner and his associates it states that the individuals behavior is a function of its consequences it is based on the law of effect that is individuals behavior with positive consequences tends to be repeated but इंडिविजुअल्स बिहेवियर विध नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज टेंड्स नॉट टू भी रिपीटेड तो यहाँ पर पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब क्या है कि अगर हमने कोई सर्टन बिहेवियर या कोई एक्शंस लिए और उस बिहेवियर के या उस एक्शन के बाद हमको कुछ पॉजिटिव मिला फीडबैक अप्रिसिएशन रिवॉर्ड ठीक है तो फिर हमारे माइंडसेट में ये चीज़ बैठ जाएगी कि हाँ अगर हम ये करेंगे तो हमको अप्रिसिएशन मिलेगा या पॉजिटिव कुछ रिटर्न मिलेगा तो हम वो या वैसा बिहेवियर रिपीट करेंगे लेकिन अगर कोई बिहेवियर या कोई एक्शन करने से हमको कॉन्सिक्वेंस या रिज़ल्ट में कुछ नेगेटिव मिल रहा है मे बी पनिशमेंट्स मिल रही हूँ मे बी आप लेट से कि आपने कुछ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करी तो आपको जो एक एक्स वाई जी कुछ रिवॉर्ड मिला था वो नहीं मिला या आपको डिमोट कर दिया गया अगर आपके मिस आप, आपने कोई मिसकंडक्ट करा है तो ऐसा कुछ अगर रिपीटेड हुआ सॉरी ऐसा कुछ अगर बिहेवियर हुआ है जिसमें आपको बिहेवियर करने के बाद या वो एक्शन लेने के बाद इन रिटर्न आपका आपके पास कुछ नेगेटिव आ रहा है तो आप वो पर्टिकुलर बिहेवियर को ऑब्वियसली रिपीट नहीं करोगे आप कौन से बिहेवियर को रिपीट करोगे जिसमें आपको पॉजिटिव कुछ मिल रहा है अप्रिसिएशन हो गया लेट से कुछ रिवॉर्ड हो गया ऐसा कुछ मिल रहा है ठीक है री इन्फोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ओवर लुक्स द इंटरनल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल द इनर फीलिंग्स एंड ड्राइव्स ऑफ इंडिविजुअल आर इग्नोर्ड बाय बी एच्स के नाम दिस थ्योरी फोकस टोटली ऑन वॉट हैपन्स टू एन इंडिविजुअल वेन ही टेक सम एक्शन तो ये पर्टिकुलर थ्योरी में जो स्किनर है बी एफ स्किनर इन्होंने केवल उस चीज़ पे फोकस कराया है कि जब एक इंडिविजुअल एक्शन लेता है कोई या कोई चीज किसी सर्टन टाइप का बिहेवियर शो करता है पोट्रे करता है तो उस पर्टिकुलर बिहेवियर पोट्रेयल या एक्शन लेने के बाद उसके साथ क्या हो रहा है उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया गया है इस पर्टिकुलर थ्योरी According to Skinner, the external environment of the organization must be designed effectively and positively so as to motivate the employee. द मैनेजर्स ऑफ द फॉलोइंग मैथड फॉर कंट्रोलिंग द मैनेजर uses द फॉलोइंग मैथड फॉर कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ employees. तो so, अब अगर हम बी एफ स्किनर्स की री इन्फोर्समेंट थ्योरी की बात करें तो पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट भी हो सकते हैं नेगेटिव री इन्फोर्समेंट भी हो सकते हैं और उसी पर उस पर्टिकुलर इम्प्लॉयी uh, का बिहेवियर डिपेंड करेगा कि वो वो पर्टिकुलर बिहेवियर को आगे इन फ्यूचर uh, दोहराना चाहेगा या नहीं दोहराना चाहेगा पॉजिटिव री का क्या मतलब हुआ दिस इंप्लाईज गिविंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो आपने कोई सर्टन एक्शन uh, करा कोई चीज करी आपने उसके बाद आपको उसके आप, आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है कुछ पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया जा रहा है फ्रॉम योर सीनियर्स फ्रॉम द मैनेजर ठीक है वैन एन इंडिविजुअल शो पॉजिटिव और रिक्वायर्ड बिहेवियर फॉर एग्जाम्पल इमीडिएटली प्रेजिंग एन एम्प्लॉय तो आपने क्या कर दिया एज अ मैनेजर आपने फट अगर उस आपके इंप्लॉय ने कोई अच्छा टास्क परफॉर्म करा तो आपने उसको प्रेज कर दिया या आपने लट से कि कुछ जैसे हम कभी, -कभी होता है कि एज अ स्टूडेंट जब हम स्कूल में होते हैं तो अगर आपने मार्क्स अच्छे लाए हो तो आपको याद होगा कि हम लोगों को गुड मिलता था या स्टार मार्क किया जाता था टेस्ट पेपर्स पे या कभी कभी टीचर्स हमको चॉकलेट्स दे देती दे थी तो ऐसे ही क्या होता है एक तरह का पॉजिटिव री है उससे क्या होता है जो बच्चा है उसके अंदर एक तरह से एंथुजियाजम या कॉन्फिडेंस आएगा कि ओके हाँ मैंने अच्छा परफॉर्म करा और मुझे टीचर ने अप्रिशिएट करा तो दैट मीन्स कि अगर ऐसा मैं दोबारा करूंगा तो मुझे अप्रिसिएशन वापस से मिलेगा ठीक है तो ये था हमारा पॉजिटिव री नेगेटिव री एन्फोर्समेंट का मतलब है दिस इंप्लॉय रिवॉर्डिंग एन एम्प्लॉय बाय रिमूविंग नेगेटिव और अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसिस बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव री एनफोर्समेंट कैन भी यूज फॉर इंक्रीजिंग डिजायरेबल तो यहां पर नेगेटिव री एनफोर्समेंट का मतलब ये नहीं कि आपको डांट मिलेगी नहीं यहां पर नेगेटिव री एन्फोर्समेंट का मतलब है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे Uh, तो आपको एक्स वाई जी नेगेटिव कुछ मिल सकता है तो उस एक्स वाई जी नेगेटिव चीज़ को हटाने के लिए या नहीं आपको आ, आप ये सोचोगे कि ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने पढ़ाई नहीं करी तो हम फेल हो जाएंगे तो हम फेलियर को अवॉइड करने के लिए पढ़ाई करेंगे तो यहाँ पर फेलियर को अवॉइड करना इज नेगेटिव री तो आपको अगर एज एन मैनेजर की बात करें तो लेट से कि अगर कोई इंसान आप एक पॉलिसी ले लिया एक रूल बना दिया ऑफिस में जो लेट आएगा ऑफिस में उसका लेट से कि एक दिन की सैलरी कट हो जाएगी तो लेट आना इज इक्वल टू एक दिन की सैलरी कट हो गई ठीक है तो ये नेगेटिव इन्फोर्समेंट है यहां पर आपको एज एन एम्प्लॉय आपको क्या करना है आपको लेट नहीं आना है ताकि आपकी नेगेटिव आपका जो सैलरी है वो कट ना हो तो नेगेटिव री क्या है रिवॉर्डिंग एन एम्प्लॉय बाई रिमूविंग दैट नेगेटिव और अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंस ठीक है नेगेटिव और अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंस क्या हो जाएगा कि सैलरी कट इफ यू आर लेट एट आफ्टर सर्टन टाइम मतलब आपने कोई लेट से कि साढ़े नौ या दस बजे का एक टाइम रखा है और आप साढ़े दस बजे तक अगर आप नहीं पहुंचते हो ऑफिस तो आपकी उस दिन की सैलरी कट हो जाएगी या आपका हाफ डे काउंट होगा ये हो सकता है तो वो नेगेटिव री का यहाँ पर मतलब ये है ये नहीं कि आपने एक बिहेवियर कर आपको पनिशमेंट मिली दैट इज ऑब्वियसली ये भी ऐसा होता है बट यहाँ पर ये चीज़ ये है देन वी हैव पनिशमेंट एंड एक्सटेंशन सो वी हैव टू काइंड ऑफ पनिशमेंट पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या होगा इट इन्वॉल्व द डिलीवरी ऑफ एन अवर्सिव स्टिमलेस अवरसिव का मतलब होता है स्ट्रांग डिसलाइक जैसे कि क्रिटिसाइज करना आप को इसको हम पॉजिटिव स्टिमुलस सॉरी पॉजिटिव पनिशमेंट बोलेंगे कि आप क्या कर रहे हो अगर आपने कोई चीज़ गलत करी है तो आप उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हो उसके पर्टिकुलर uh, बिहेवियर को चेंज करने के लिए नेगेटिव पनिशमेंट क्या हो जाएगा एक प्लेजेंट स्टेमलस uh, एक प्रेजेंट रिवॉर्ड को हटा देना फ्लैक्सीबल वर्किंग आवर्स को हटा देना ठीक है अगर आपने कोई काम आप आप चाहते हो कि आपका एम्प्लॉय सर्टन वर्क किस अच्छे ढंग से करे या सर्टन बिहेवियर को ना करे तो उसको ना करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो देन वी हैव एक्सटेंशन लाइक पनिशमेंट द गोल ऑफ एक्सटेंशन इज टू लोअर द अकरेंस ऑफ एन अनडिजायरेबल सॉरी लोअर का लोअर द अकरेंस ऑफ अनडिजायर्ड बिहेवियर इन सिनेरियो वैल्यूड कॉन्सिक्वेंसिस कैन बी विल हैड विद हेल्प टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक बिहेवियर फॉर्म uh, कंटिन्यूइंग तो अगर इसका एग्जाम्पल इस ये ले सकते हो आप कि सपोज अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि आपके इम्प्लॉयज़ ओवर टाइम ना करें लॉन्ग आर्स तक वर्क ना करें तो द ऑर्गेनाइजेशन विल विल डू वट विल द ऑर्गेनाइजेशन डू इट विल स्टॉप गिविंग ओवर टाइम वेजेज़ और ओवर टाइम अलाउंसेज ठीक है तो जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ओवर टाइम अलाउंसेज मिलना बंद हो जाएंगे तो आप धीरे धीरे अपना जो एक्स्ट्रा काम करने का जो एक लर्न बिहेवियर है जो आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखा है उसको आप धीरे धीरे स्टॉप करते रहोगे एक्सटेंड करते रहोगे एक्सटेंशन को यहाँ पर मतलब है खत्म करना तो एक पर्टिकुलर बिहेवियर को ख़त्म करना ख़त्म कैसे किया जाएगा आप सर्टन चीज़ को स्टॉप कर दोगे उसको देने के लिए उसके अगेंस्ट में तो वो हो जाएगा ठीक है देन वी हैव री इन्फोर्समेंट थ्रो इन द वर्क प्लेस पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट इसके बारे में यह दिया हुआ है इसको हम देख लेते हैं पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट क्या होता है प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू री इन्फोर्स डिजायर बिहेवियर एग्जाम्पल मैनेजर प्रेजिंग एन एम्प्लॉई ठीक है एंड देन नेगेटिव क्या हो जाएगा रिमूविंग अवर्सिव अवर्सिफ टू इन्फोर्स एलिमिनेटिंग टेडियस टास्क वन एम्प्लॉई स्टार्ट मीटिंग डेडलाइंस देन वी हैव पनिशमेंट डिलीवर अवर्सिव स्टिमिलाय और रिमूव प्लेजेंट टू चेंज द बिहेवियर क्रिटिसिजम डिमोशन और रिमूविंग फ्लैक्सीबल वर्किंग आवर्स ये पनिशमेंट हो जाएगा पॉजिटिव इसी में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाता है ठीक है एक्सटेंशन क्या हो जाएगा विद होल्डिंग वैल्यूड कॉन्सिक्वेंसिस टू लोअर द नेगेटिव बिहेवियर मैनेजर इग्नोरिंग द बिहेवियर ठीक है सो दिस वॉज इट फॉर टूडे एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिल जाए एंड ऑफ कोर्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा सो नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी टिल देन स्टे कनेक्टेड विथ मी कीप लर्निंग बी हैप्पी बाय